राहुल गांधी से सोमवार को ईडी ने करीब 10 घंटे की पूछताछ की और उनको आज फिर से बुलाया है। इसको लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह हमला राहुल गांधी पर नहीं बल्कि देश के गरीबों पर है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास फिलहाल 5422 केस हैं, जिसमें से 98% यानी कि 5310 मुकदमे मोदी सरकार के दौरान रजिस्टर हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि ईडी बीजेपी का इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आखिर मोदी सरकार या बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस ही क्यों है? ईडी की कार्रवाई क्या जनता के मुद्दे उठाने वाली मुखर आवाज को दबाने का षड्यंत्र है? नमस्कार साथियों, दिल्ली पुलिस का अत्याचार, मोदी सरकार की बर्बरता यही नहीं रुकी। श्री केसी वेणुगोपाल पर संगठन महासचिव पर जानलेवा हमला बोला गया। दिल्ली के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल को लाठियों से बर्बरता से मारा गया और दिल्ली पुलिस की मोदी सरकार के बदले की कार्रवाई का आलम देखिए। देश के पूर्व गृह मंत्री, देश के पूर्व वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी की पसली तोड़ दी गई, उन्हें धक्के मारे गए, उनका चश्मा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर जमीन पर फेंक दिया गया। क्या मोदी सरकार को ये मालूम नहीं कि देश के गृह मंत्री से कैसा व्यवहार होगा? हमारे सांसद श्री प्रमोद तिवाड़ी को सड़क पर फेंक कर मारा गया, उनका सर जमीन पर लगा और उनकी पसली में फ्रैक्चर हो गया। चिदंबरम जी, प्रमोद तिवाड़ी जी को हेयरलाइन फ्रैक्चर्स हैं उनकी पसलियों में। क्या शांतिप्रिय तरीके से श्री राहुल गांधी जी के साथ चलकर जाना पाप हो गया है? क्या अत्याचार की यह हद है कि हजारों कार्यकर्ता अलग अलग दिल्ली के थानों के अंदर बंद हैं, किसी को कहीं ले जाया गया, किसी को कहीं ले जाया गया? मोदी जी कितना अत्याचार करेंगे, पर आप ये जान लें, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये डरने वाले नहीं, ये झुकने वाले नहीं, ये दबने वाले नहीं। हम चलते रहेंगे प्रजातंत्र की राह पर निरंतर। आप मारिए सबको, आप पीटिए सबको, आप बर्बरता दिखाइए। अंग्रेजी सरकार की एक बार फिर याद आ गई, पर याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ी और अब आपसे भी लड़ेंगे जब तक प्रजातंत्र ना जीत पाए। जय हिंद।